अगली खबर भोपाल से है, जहां बैरसिया इलाके में बररी छीड़खेड़ा गांव में पानी से भरी खंती में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। तीनों पादरी मोहल्ले की रहने वाली थी। बताया गया कि तीनों परिवार से छिपकर गड्ढे में नहाने चली गई थी। उनके सब बाहर निकाल लिए गए हैं। तीनों की उम्र 11 से 13 साल के बीच है। इनमें से एक बच्ची रिश्तेदार के यहाँ आई थी। बताया गया है कि खंती में तार फेसिंग नहीं थी। जानकारी के मुताबिक पादरी टपरे में रहने वाली 13 साल की नकुसी पिता तमीना सिंह, 12 साल की रिया पिता जानू, 11 साल की दिया पिता मच्छू शुक्रवार दोपहर घर से थोड़ी दूर बररी छीड़खेड़ा गांव में स्टेडियम के पीछे खंती में भरे पानी में नहाने पहुंची थी। तीनों बच्चियां किनारे में नहाने लगी, इसी बीच वह गहरे पानी में डूब गई थी। बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि खंती में करीब 10 फीट गहरा पानी है। बच्चियों का घर घटना स्थल से करीब 0.5 किलोमीटर दूर है। दोपहर करीब 2 बजे किसी राहगीर ने पानी में एक बच्ची को उतराते हुए देखा था। उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी थी। तब तक काफी देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को पानी से बाहर निकाला है। बताया गया है कि पादरी टपरे में रहने वाले परिवार के बच्चे अमूमन स्टेडियम के पीछे खेलने आते हैं। शुक्रवार को भी तीनों बच्चियां खेलते हुए खंती तक पहुंच गई थी। परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। तीनों ने परिजनों को भी नहाने जाने की बात नहीं बताई थी। पुलिस का कहना है कि मुरम निकालने से यह गड्ढा हुआ है, जिसमें बारिश का पानी भरा है। भोपाल प्रशासन ने मृतक बच्चियों के परिजनों को तात्कालिक रूप से 5,000 रुपए की सहायता राशि दी है। इसके साथ 4,000,000 रुपए पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।